आम आदमी पार्टी का विवाद बड़ा, राज्य स्तरीय सम्मेलन की घोषणा, कुमार विश्वास का लिया नाम। आम आदमी पार्टी का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दो दिन पहले अजमेर लोकसभा POC को हटाकर जयश्री को बनाया गया था। आज पार्टी के दूसरे गुटे ने राज्य स्तरीय सम्मेलन की घोषणा कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राजस्थान प्रभारी कुमार विश्वास का नाम लेकर कहा गया कि उनके निर्देशों के अनुसार ही पार्टी के विस्तार के लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अजमेर दूसरा राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है 3 तारीख को, और इससे पहले भी 2 साल पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर चुकी है, और शायद राजस्थान में अजमेर ही जिला ऐसा है जो इस राज्य स्तर पर प्रोग्राम आयोजित करता रहा है और करने जा रहा है, और इसमें सारे जिले के सभी कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। और इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यह है कि संगठन का विस्तार किया जाए, लोगों को पार्टी की नीति बताई जाए, और दिल्ली में जो पार्टी ने कार्य किए हैं उनसे लोगों को अवगत किया जाए और आम जनता को जागरूक किया जाए। इसके साथ साथ ही कुमार विश्वास जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, राजस्थान के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनके निर्देश हैं कि नवंबर तक किसी भी सूरत में राजस्थान का संगठन ढांचा तैयार हो जाना चाहिए। उसी की कड़ी में ये सभा रखी गई है, और इस सभा को सफल बनाने के लिए और उनके आदेशों की पालना करने के लिए यह राज्यसभा सम्मेलन बुलाया गया है। अजमेर को ही क्यों चुना गया? अजमेर के अलावा दूसरा कोई आदमी इसको करने के लिए, इतना व्यय करने के लिए और अच्छा अरेंजमेंट करने से नहीं कर पाएगा, लेकिन पिछली हमारी मीटिंग से लोग इतने खुश थे कि उन्होंने हमें प्रपोज किया कि यह कार्यक्रम अजमेर में आयोजित किया जाए। नहीं, एक गुटबाजी भी नजर आ रही है कि दूसरे जो आम आदमी पार्टी देते हैं वो लोग आपको तो यहाँ से पद से हटा दिया गया है, बिल्कुल ऐसा है, और इस मामले के अंदर एक कानूनी कार्रवाई की बात भी हो रही है कि अगर आप पार्टी का बैनर यूज करते हो तो ये मीडिया भी कहाँ प्रमाणित हो, उसको प्रमाण कैसे दोगे कि आप ही आम आदमी पार्टी के वास्तव में कार्यकर्ता हैं या कोई पद है? हाँ, इस बारे में मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूँगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको सब लोग चुनते हैं वही मान्य होता है, और लोकसभा का जो POC बनाया गया है वो रियाज अहमद भाई मंसूरी को जयपुर में कुमार विश्वास जी के समक्ष सर्वसम्मति से POC चुना गया है, और अजमेर लोकसभा विधान के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सबके प्रभारियों ने सर्वसम्मति से उनको चुना है, और वो आज भी पूरी तरह से हमारे साथ हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। उसका कोई पत्र भी तो दिया होगा वगैरह? नहीं, ऐसा कोई पत्र पार्टी जारी नहीं करती है, ऐसा कोई पत्र पार्टी किसी के लिए भी जारी नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी ने आपको बना दिया और उसको कोई पत्र जारी ना करा हो? मौखिक के अंदर तो बहुत सारी कुछ आदेश हो सकते हैं, लेकिन लिखित की बात है वो आदेश है क्या? हाँ, जहाँ तक पूरे राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में किसी भी जिले को या किसी भी POC को कोई पत्र विश्वास सरद की तरफ से जारी नहीं किया गया। तो फिर कैसे प्रमाणित होगा? प्रमाणित होगा जिसके साथ जन समुदाय है, जिसके साथ विधानसभा प्रभारी मौजूद हैं, वही वहाँ उसका नेतृत्व करेगा। यानी कि कहने का मतलब कि आप भी आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता? बिल्कुल साहब, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज सारे विधानसभा के प्रभारी हमारे साथ हैं, जबकि उस पार्टी के साथ एक भी विधानसभा का प्रभारी मौजूद नहीं है। यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, किशनगढ़, नसीराबाद, पुष्कर सबके विधानसभा प्रभारी मौजूद हैं, और उन्होंने सर्वसम्मति से मिलकर रियाज भाई को चुना है। और एक चीज़ और, जो अराई के अंदर 8 तारीख को किसानों के हितों को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर जो सम्मेलन हो रहा है, कार्यक्रम में किसान अधिकार यात्रा हो रही है, क्या उसमें आप समर्थन देंगे या उससे बेदखल? बिल्कुल साहब देंगे, क्योंकि वो मिस्टर जो उमराव अमल चौधरी हैं जो इस प्रोग्राम को आयोजित करने हैं, वो हमारे किशनगढ़ के प्रतिनिधि हैं और हमारे किशनगढ़ के POC हैं, और हम उनको पूरा सहयोग देंगे। यहाँ से कार्यक्रम से फ्री होने के बाद हम उनको पूरा रैली से सफल बनाने में अपनी पूरी तन मन धन से कार्यकम में शामिल होंगे। आपका नाम? राकेश शर्मा, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी अजमेर।